नमस्कार दोस्तों, अनएकेडमी आपके लिए लेके आया है कमाल का ऑफर। जो बच्चे क्लास 9th में हैं और जो बच्चे क्लास 10th में हैं, इनके लिए देखिए थोड़ा सा समझते हैं, एक मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा आपको। अगर कोई बच्चा अभी 9th में है और उसको अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो जनरली वो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेगा। लेकिन अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 9th एंड 10th IIT JEE नीट कैटेगरी में, IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSC, ये कैटेगरी है हमारी, आप इस कैटेगरी में लोगे। लेकिन अगर आप 2 साल का नहीं लेते हो आप, और 2 साल बाद आप लोगे क्या? 2 साल बाद आप लेने वाले हो, 2 साल बाद या तो आप IIT JEE में जाओगे या फिर आप नीट में जाओगे। अच्छा, ये जो दो सब्सक्रिप्शन है ये 2-2 साल के होंगे, ये 2 साल का होगा या फिर ये 2 साल का होगा। अब ऐसा है कि अगर अभी ही आपने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं अभी ये दोनों खरीदता हूं, तो आपको टोटल 25% का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब होगा क्या, आप अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन 4 साल का अगर खरीदते हैं, तो ये जो 11th 12th का जो प्राइस है उसमें 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको कब मिलने वाला है? 10वीं के बाद। लेकिन अभी ऑफर ऐसा चल रहा है कि आज अगर आप 4 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये जो IIT JEE या नीट का जो सब्सक्रिप्शन है अभी से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको 2 साल नहीं, आपको 4 साल सीखने को मिलेगा। मतलब आप अभी 9th में रहते हुए अभी से आप 11th 12th का भी पढ़ पाओगे। मतलब आप जाके नमोकोल सर से अभी फिजिक्स पढ़ पाओगे, आपको लगता है तो आप वोरा सर से जाके अभी मैथ्स पढ़ पाओगे, है ना, आप समीर चिंचोलीकर सर से जाके मैथ्स पढ़ पाओगे। तो अभी से ही ये खुल जाएगा अगर आप अभी 9th में हैं। और अगर आपको 4 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 11th 12th का जो आपका IIT JEE का सब्सक्रिप्शन होगा उसमें 25% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आपका आज से ही 2 साल का आपका कोर्स आज से ही अनलॉक हो जाएगा। और अगर आप 10th में, तो आप 3 साल के लिए लेंगे, तो उसका भी आपका जो IIT JEE नीट का है वो आज से ओपन हो जाएगा, जिससे आज आप खरीदते हो। तो यहाँ आपको ये 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, मेन आपको 50% का डिस्काउंट मिल ही रहा है। साथ में आप अगर यहाँ पर पवनवा कोड लगा लेते हो तो और आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा रेफरल कोड का। तो इतनी सब चीजें हैं आपको ये इसमें मिल रही है। थोड़ा आपको समझने में ये हो, आसानी हो, इसी के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। टारगेट जो भी हो आपका, बहुत कम प्राइस में आप इस कोरोना के टाइम में घर पे बैठ के पढ़ पाओगे। ओके, सो जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन, लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइज, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 2, वर्क एंड एनर्जी का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, चैप्टर नंबर 2, स्टैंडर्ड 9 का वर्क एंड एनर्जी वाला पार्ट। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखो, उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करना। अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट को स्विच करते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स मैंने आपके वो वाले क्लास में कवर कराए थे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से देखते हैं अपने इस पार्ट को। सबसे पहली चीज़ आपकी जो यहाँ पे है वो ये है कि हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, सम बेसिक्स। अगर मुझे ये बेसिक पॉइंट पता है तभी जाके मैं आगे वाली चीज़ को समझ सकती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका बेसिक पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि जो आपका फोर्स होता है, जो आपका फोर्स होता है उसके 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है आपका फोर्स का SI यूनिट, और सेकेंड यूनिट आपका फोर्स का होता है वो होता है CGS यूनिट। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे हर चीज़ के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं सबके 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है SI यूनिट और एक होता है आपका CGS यूनिट। ठीक है, जो SI यूनिट होता है ना फोर्स का, वो होता है आपका न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, और उसी न्यूटन को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी आपका CGS यूनिट होता है फोर्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका, जो भी CGS यूनिट रहेगा ना उसी CGS यूनिट को हम लोग बोलेंगे डाइन। डाइन बोलते हैं उसको, डाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके भी बिल्कुल उसी टाइप के 2 यूनिट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट के भी आपके 2 यूनिट होते हैं। जो पहला यूनिट आपका डिस्प्लेसमेंट का रहता है वो रहता है आपका SI यूनिट, और सेकंड रहता है आपका CGS यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैसे 2 टाइप के यूनिट होते हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट, बस भाई वही वाली चीज़ है। अब डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट है, समझ लाओ डिस्प्लेसमेंट मतलब ही आपका लेंथ है। अब तो इजी लग रहा है, तो आप लोग ही मुझे बताओ लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है।
मीटर होता है लेंथ का ऐसा यूनिट, तो उसको मैं एम से रिप्रेजेंट करूँगी। अब बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट क्या रहेगा? अगर एक है मीटर तो दूसरा क्या रहेगा? सेंटीमीटर। अगर एक है मीटर तो दूसरा क्या रहेगा? सेंटीमीटर। तो आपका CGS यूनिट जो रहता है ना डिस्प्लेसमेंट का, आपका CGS यूनिट जो रहता है ना डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही लेंथ का, वो क्या होता है? सेंटीमीटर। चलिए भाई आगे बढ़ते। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताना है वो ये है कि जो वर्क होता है, वर्क के भी आपके दो टाइप के यूनिट होते हैं। एक होता है आपका SI यूनिट और एक होता है आपका CGS यूनिट। जो भी आपके वर्क का SI यूनिट होता है वो आपको आज से याद ही कर लेना है कि उसी को हम लोग जूल बोलते हैं। और जो भी आपके CGS यूनिट होता है वर्क का, उसको हम लोग अर्क बोलते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ये आप याद कर लो, क्योंकि अगर ये अभी याद नहीं किया ना तो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी प्रॉब्लम जाएगी, आपको 11th स्टैंडर्ड में भी ये वाली चीज़ फिजिक्स में आएगी, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी, और 12th स्टैंडर्ड में भी फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज़ है न्यूमेरिकल्स में, और आपको 11th में भी फिजिक्स में काम में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका बेसिक वाला पोर्शन है कि फोर्स के दो टाइप के यूनिट होते हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट न्यूटन बोलते हैं, CGS यूनिट में उसको डाइन बोलते हैं, याद कर लो। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ही आपका लेंथ, उसके भी दो यूनिट होते हैं SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट मीटर होता है और CGS क्या होता है? सेंटीमीटर। वर्क के भी दो यूनिट होते हैं SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट जूल होता है और CGS क्या होता है? अर्ग। ठीक है, चलिए देखते भाई आगे की तरफ। अब आगे का दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम आपने तो हमको ये सब लेफ्ट में पढ़ा दिया, लेफ्ट साइड में, अब राइट में क्या पढ़ाने वाले हो? अरे भाई राइट में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है जूल और अर्ग के बीच में, उसको देखने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी मुझे वर्क को कैलकुलेट करना है तो वर्क का मतलब होता है भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूँ ना तो स्टार्टिंग से हम लोग कर क्या रहे, स्टार्टिंग से हम लोग बस यही काम कर रहे हैं, बार बार यही वाली चीज़ देख रहे हैं कि वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बार बार यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ अगर मुझे निकालना है वर्क तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क को SI यूनिट में, SI यूनिट में देखेंगे भाई, और फिर हम लोग CGS यूनिट में देखेंगे वर्क को, फिर CGS यूनिट में देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। अब मुझे आप लोग बताओ कि फोर्स का जो SI यूनिट है वो क्या है? देखो जल्दी से, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का भाई आपका SI यूनिट न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और वर्क का जो SI यूनिट है वो क्या है? जूल है। तो यहाँ से एक रिलेशन मुझे ये मिला कि जूल का मतलब न्यूटन इंटू मीटर होता है, याद रखना है। ये SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, इससे मैंने सारे के सारे यूनिट आपके SI यूनिट में लिए। फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, और वर्क का जूल है। इससे आपको एक और रिलेशन में मिला, आप अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है। यह आपका पहला रिलेशन आया। सेकेंड रिलेशन, जो आपका फोर्स होता है, अगर मुझे उसका CGS यूनिट की बात करना है तो फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है भाई? फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है, डाइन। डिस्प्लेसमेंट जो उसका CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा। और जो वर्क होता है, वर्क का CGS यूनिट क्या है? अर्ग। वर्क का CGS यूनिट है अर्ग। मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने बस फोर्स का CGS यूनिट वाला वैल्यू डाइन यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि मुझे CGS यूनिट की अभी बात करना है। डिस्प्लेसमेंट का भी CGS यूनिट सेंटीमीटर सब्सटीट्यूट किया, और वर्क का CGS यूनिट अर्ग लिख दिया। यहाँ पे भी मुझे एक रिलेशन मिला कि अर्ग मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है। ये दो रिलेशन मुझे मिल गए कि अर्ग मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है और जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये दो रिलेशन मुझे मिल गए। चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे का जो पार्ट आपका है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन का मतलब ही 10 की पावर +5 डाइन होता है। ये पहला रिलेशन हमें पता होना चाहिए
कि 1 न्यूटन का मतलब ही 10 की पावर प्लस 5 डाइन होता है। सेकंड चीज़, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, इसी को हम लोग 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एक बार ज़रा देखना, मुझे यहाँ पे ये बताना है, सबसे पहली बात, 1 न्यूटन का मतलब 10 की पावर प्लस 5 डाइन होता है। सेकंड पॉइंट जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि ए 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। ये हम लोग ने बचपन से, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। अब भाई दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये 10 की पावर प्लस 2 कहाँ से आ गया? हमको तो ये पता है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। देखो भाई, ये 2 जीरो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस 2। समझ गया ना, वही वाली चीज़ है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। हम लोग लेंगे टेकिंग इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 को यहाँ पे लेंगे, बहुत काम की चीज़, अभी हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या कहता है, जूल इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर। अगर मैं सभी के सामने 1 लगा दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो अब मुझे सपोज 1 न्यूटन का वैल्यू लिखना है, तो आपके 1 न्यूटन का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन का वैल्यू होता है भाई 10 की पावर प्लस 5 डाइन, और आपके 1 मीटर का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर। देखो भाई, देखो क्या किया, जूल इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर होता है, वही वाली चीज़ को यहाँ लिख दिया। अगर सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं भाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही रहता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 रहता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, मैंने हर किसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 न्यूटन का मतलब ही क्या होता है, 10 की पावर प्लस 5 टाइम। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब देखो भाई इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 5 प्लस 2 कितना होता है, यहाँ पे डाइन, यहाँ पे सेंटीमीटर। सबको ये बात याद रखनी है, जब भी 10 की पावर x होता है इंटू 10 की पावर y होता है, तो उसी को हम लोग 10 की पावर x प्लस y लिख सकते हैं। यह आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मैथ्स की प्रॉपर्टी में, when bases are same, indices are added, वही वाली तो प्रॉपर्टी है भाई। तो बस ये किया, 5 प्लस 2 कितना होता है, लिख दिया। अब 5 प्लस 2 कितना होता है भाई, 7 होता है। यह आपका जूल एज इट इज़ था, और ये जो डाइन इंटू सेंटीमीटर है, डाइन इंटू सेंटीमीटर का ही मतलब क्या होता है, अर्ग होता है। डाइन इंटू सेंटीमीटर का ही मतलब क्या होता है, अर्ग होता है, इसलिए मैंने ये वाले अर्ग को इधर ला लिया। तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिला, वो रिलेशन मेरा ये मिला मुझे कि 1 जूल का मतलब 10 की पावर प्लस 7 अर्ग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यह आपको 12th में भी आ सकता है, एक छोटा सा पार्ट 12th में भी, 11th में आएगा शायद से, ठीक है, फिजिक्स में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वर्क का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के जो यूनिट थे वो लिख दिए, यहाँ पे भी यूनिट लिख दिए, एक था ऐसा यूनिट, एक था सीजीएस यूनिट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैंने न्यूटन के जगह पे डाइन का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस 7 आ गया। डाइन इंटू सेंटीमीटर को एज इट इज़ लिख दिया, और डाइन इंटू सेंटीमीटर मतलब ही अर्ग होता है। तो मुझे एक रिलेशन मिला कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर प्लस 7 अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर प्लस 7 अर्ग। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने ये वाला रिलेशन देख लिया कि 1 जूल मतलब 10 की पावर प्लस 7 अर्ग होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब मुझे बढ़ना है एकदम आगे की तरफ, और आगे का जो मेरा पार्ट है ना वो है न्यूमेरिकल वाला सेक्शन। न्यूमेरिकल्स मतलब ही कैलकुलेशंस, ठीक है। अब मुझे अगर ये कैलकुलेशंस को करना है, तो ये कैलकुलेशन को करते वक्त सबसे पहला काम जो आप सभी को हमेशा करना है, 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th स्टैंडर्ड हो, लेफ्ट साइड में एक कॉलम बनाओ, और उसमें जितने भी फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेस को आप वहाँ लिख दो। अब आप लोग बोलेंगे मैम हम लोग ऐसा क्यों करें, तो आपको याद रखना है वो जो फॉर्मूलेज है ना, अगर आप लोग वो फॉर्मूलेज एक जगह पे लिख देते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि फॉर्मूलेज आपके फ्रंट में रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और कैलकुलेशंस भी करना बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को, मतलब कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को, और हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में फॉर्मूले किस तरीके से आपको फ्रेम करना है। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे लेफ्ट साइड में सारे के सारे फॉर्मूलेज को लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस मैं वही वाला काम कर रही हूँ, फॉर्मूलेज को हम लोग देख रहे हैं।
सबसे पहला फॉर्मूला आपका ये होता है कि जो भी आपका वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। उसमें पहला पार्ट आपका जो है वो ये है, ज़रा ध्यान देना। अगर ये समझ गया तो न्यूमेरिकल आप यू कर सकते हो। अगर ये आपको नहीं समझा ना, न्यूमेरिकल कितना भी समझाया ना, तो आपको बस रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं समझा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। इसलिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ भाई होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़ आपकी ये है, व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, जो आपका थीटा है अगर वो आपको गिवन नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, तो आप वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस यही वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं है, तो आप वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड केस आपका ये है कि अगर आपका थीटा गिवन है, व्हेन थीटा इज गिवन, अगर आपका थीटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है भाई, मतलब उसका वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप ऐसे केस में जो फोर्स वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो रहेगा एफ एस कॉस थीटा। मतलब अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि मैम बड़ा मुश्किल है ये समझना कि अगर फोर्स दिया है, मतलब अगर थीटा दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, अगर थीटा नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला मुझे कब यूज़ करना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको थीटा गिवन नहीं है तो आप बस एफ इंटू एस वाला यूज़ करेंगे, अगर आपको थीटा क्वेश्चन में गिवन है तो आप लोग एफ एस कॉस थीटा यूज़ करेंगे, एफ एस कॉस थीटा यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपका आगे का जो पार्ट है वो ये है कि अगर आपको सपोज कैलकुलेट करना है फोर्स को, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और जनरली ये एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे? मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते, और फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, अब दिमाग में क्वेश्चन बड़ा आता है, मैम आपने हमको बता दिया, हमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया, आप हमको ये बताओ कि फोर्स नेगेटिव कब रहेगा और फोर्स पॉजिटिव कब रहेगा, हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, हमें ये भी बता दो। तो ठीक है भाई, हम लोग देख लेते हैं इसके दो टाइप को। इसके जो दो टाइप है आपके वो ये है, ध्यान से देखना। पहला टाइप ये है कि वर्क का पहला आपका फोर्स का फॉर्मूला रहेगा प्लस एम इंटू जी, और सेकेंड फॉर्मूला आपका रहता है, मतलब मैं प्लस एम जी लिख देती हूँ, और सेकेंड फॉर्मूला आपका रहता है माइनस एम जी। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमको सारे फॉर्मूले बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए, हमको ये भी समझ में आए कि फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन ही जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। आप हमको ये बताओ, आपने कहीं पे प्लस ला लिया, कहीं पे माइनस ला लिया, चक्कर क्या चल रहा है? तो आपको यहाँ पे बस ये याद रखना है कि अगर आप कभी भी टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम मतलब आप लोग अगर ऊपर से नीचे आते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऊपर से नीचे हो रहा है तो आप प्लस एम इन टू जी लिखते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है भाई, टॉप टू बॉटम, तो आपका फोर्स पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपका ग्रेविटी प्लस रहेगा। यहाँ पे अगर आपने ये देखा कि अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हो, बॉटम से अगर आप टॉप की तरफ जाते हो, मतलब ये आप लोग कुछ इस तरीके से जाना चाहते हो, बॉटम से टॉप की तरफ, तो आपका जो फोर्स का वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्मूले एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्लियर करवा दिए भाई। अब जिनको ये फॉर्मूले समझ गए ना, उनको टेंशन लेने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन यू लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये इतने बढ़िया तरीके से कहीं पे भी देने रखा है, मैंने आपको दिया है नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं सभी को, ऐसे समझो कि बस आपका एक क्लास ही चल रहा है। चलो आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 22 पर, हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स को। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आपके एग्जांपल नंबर 1 को, जो दे रखा है पेज नंबर 22 पे सॉल्व एग्जांपल के अंडर में। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जांपल नंबर 1 में आपको बोल रखा है
कैलकुलेट द वर्क डन। सबसे पहले कभी भी जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व करना है, गिवन डेटा और टू फाइंड के फॉर्म में। कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमैटिक वे में आप लिखो। कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 20 kg दे रखा है। ऑब्जेक्ट का जो वजन है, जो मास है, वो 20 kg है और उसकी हाइट जो है वो है 10 meter। 10 meter की हाइट है, ऑब्जेक्ट का मास 20 kg है और आपको वर्क निकालना है, ठीक है। उसी के साथ में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू दे रखा है, 9.8 meter per second square। चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते। कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट को लेके जाना है टू ए हाइट। देखो भाई आपको क्या बोला गया है, आपको ऑब्जेक्ट को यू हैव टू टेक ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट। आपको ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेके जाना है, आपको ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेके जाना है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाना है, मतलब आप लोग मुझे बताओ कि आपको टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है। आपको भाई बॉटम टू टॉप जाना है, बॉटम टू टॉप, समझ में आ गया ना। आपको किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, किसी हाइट पर लेके जाना है, मतलब ये आपको बॉटम टू टॉप जाने का है। और जब भी बॉटम टू टॉप जाते हैं, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, -mg। जब भी बॉटम टू टॉप जाते हैं, जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं, फोर्स का वैल्यू -m·g होता है। फोर्स का वैल्यू -m·g होता है भाई। तो फोर्स का वैल्यू निकलेगा आपका -mg। सबसे पहला पॉइंट, दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम आप फोर्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, आपको तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है इस क्वेश्चन में, फिर फोर्स क्यों निकाल रहे हो। अरे भाई याद रखने का ना, अगर फोर्स नहीं निकालेंगे तो वर्क कहाँ से मिलेगा, अगर फोर्स नहीं निकालेंगे तो वर्क कहाँ से मिलेगा। मतलब अगर आपको वर्क निकालना है तो सबसे पहले फोर्स तो पता होना चाहिए कितना है। चलो भाई देखते हैं, इसीलिए तो पहले फोर्स को निकाला। अब देखो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे आया समझ में, क्योंकि बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप नेगेटिव। मास का वैल्यू कितना है, 20 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 9.8 meter per second square, ठीक है भाई, लिख सकते हो आप लोग ऐसे इसको। फिर आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, आप लोग डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 9.8 से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा -196 newton। सॉल्व करके देखो, -196 newton। आगे बढ़ेंगे, अब मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है क्या। आधे लोग बोलेंगे वाह निकाल लिया मैंने, निकाल लिया, हो गया मेरा कैलकुलेशन। ऐसा पागल जैसा नहीं करना है, देखना है आपने तो फोर्स निकाला, फोर्स पूछा भी गया है क्या, नहीं रे बाबा, वर्क पूछा है। फिर फोर्स क्यों निकाला, क्योंकि फोर्स के बिना वर्क नहीं निकलेगा, क्योंकि फोर्स के बिना वर्क नहीं निकलेगा। अब वर्क निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है F × S, एक होता है Fs cos θ। अब क्या क्वेश्चन में थीटा गिवन है, नहीं। अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, व्हेन थीटा इज़ नॉट गिवन, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, F × S। व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, F × S। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई F का वैल्यू कितना है, -196। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, ये जो हाइट है यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है भाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। कितना वैल्यू है, 10 meters। कितना वैल्यू आएगा, 16 1960, ठीक है, ये माइनस में रहेगा। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व एग्जांपल में का एग्जांपल नंबर 1 जो पेज नंबर 22 पे दे रखा था उसको कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे आपके सॉल्व एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 2, वो भी दे रखा है आपको पेज नंबर 22 में। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं भाई एग्जांपल नंबर 2 को।
एग्जाम्पल नंबर टू में भी बिल्कुल आपको वैसे ही फ्रेम करना है, गिवन डेटा और टू फाइंड। हमेशा याद रखो क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से करना है। अगर ये हैबिट आपकी बन जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया सा इंप्रेशन क्रिएट होगा एग्जामिनर के ऊपर में, टेंथ बोर्ड में, ट्वेल्थ बोर्ड में, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के साथ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू को। प्रवीण हैज़ अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। आपको फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन का। अब प्रवीण ने अप्लाई किया या किसी और ने अप्लाई किया, उससे अपने को क्या, अपने को फोर्स से मतलब है। आगे एट एन एंगल ऑफ, एंगल मतलब क्या होता है, एंगल मतलब थीटा होता है, थीटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, याद रखना है भाई, थीटा आ गया, एट एन एंगल ऑफ थीटा आ गया, थीटा, समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल ऑफ वर्क इज डन। आपको वर्क का वैल्यू भी दे रखा है भाई 400 जूल। आपको बोल रखा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट आपको पूछ रखा है ऑब्जेक्ट का कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको एस का वैल्यू पूछ रखा है। उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। चलिए भाई इतने इजी से क्वेश्चन को करते हैं सारे के सारे, बट उससे पहले तो पता होना चाहिए कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे वर्क का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहली बात, फोर्स तो मुझे निकालना नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू दिया है। अगर मुझे फोर्स का वैल्यू दे रखा है तो मुझे फोर्स निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब मुझे वर्क निकालना है। दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम ये फॉर्मूला यूज़ करूँ या यू, बड़े कन्फ्यूजन चल रहे थे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ। फिर मैंने आपको लिख के दिया था, अगर थीटा गिवन है, वैन एंगल इज गिवन, वैन थीटा इज गिवन, थीटा गिवन है भाई, थीटा गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे सारे के सारे, एफ एस कॉस थीटा, वैन थीटा इज गिवन, एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है भाई, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ का वैल्यू कितना है 100, एफ का वैल्यू कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट तो आपको निकालना है कॉस, थीटा का वैल्यू कितना है भाई 60 डिग्री, वर्क का वैल्यू कितना है 400, वर्क के जगह पे 400 सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स के जगह पे 100 सब्स्टिट्यूट किया, एस तो आपको निकालना है और थीटा के जगह पे 60 सब्स्टिट्यूट किया। आगे देखेंगे, यहाँ पे है 400 इक्वल्स टू 100 इंटू एस इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है भाई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगर मुझे इसको करना है तो मैं कैसे करूँगी, 250 + 100 होता है भाई, होता है। आगे देखेंगे 400 इक्वल्स टू 50s। अब डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाती है, उनको भी समझ में आना चाहिए। तो s का वैल्यू कितना आएगा 400/50। देखो भाई ये 50 नीचे गया, ये 50 नीचे गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 8 = 40, तो आपके s का वैल्यू कितना आया 8 मीटर। s मतलब ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, s मतलब ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल सॉल्व करना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब आने वाला है, समझे या नहीं समझे। अब वो कैसे पता करेंगे, मैंने जो ट्रिक बताई ना उसकी हेल्प से। ठीक है भाई, लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। अब आपको बड़ा बोर मार रहा होगा, लग रहा होगा मैम चैप्टर का नाम तो वर्क एंड एनर्जी है, आप तो हमको बस वर्क के बारे में ही बताते जा रहे हो, जितने भी फॉर्मूले ले रहे हो वो भी वर्क के बारे में ले रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो भी वर्क के बारे में दे रहे हो, आप हमको एनर्जी के बारे में भी तो कुछ बताओ ना, क्योंकि चैप्टर का नाम तो वर्क एंड एनर्जी है, सिर्फ वर्क थोड़ी है। तो हमको वर्क के वजह से ही क्यों आप लोग बार बार परेशान कर रहे हो, एनर्जी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो चलिए भाई देखते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन, देखते हैं हम लोग कंसेप्ट किसका, एनर्जी का। तो अब आपके पिक्चर में आने वाली है, अब आपके पिक्चर में एंट्री होने वाली है किसकी, एनर्जी की। चलिए देखते हैं एनर्जी को। चलिए तो अब मैं देख रही हूँ भाई एनर्जी को,
एनर्जी में मैंने यहाँ पे ये जाना, एनर्जी में मैंने यहाँ पे ये जाना, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू और परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब कहना मुझे ये है कि आज तक आप लोग बहुत बार पढ़ते आए हैं, भाई मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी है, आगे वाला बोलता तू तो बड़ा कमज़ोर है रे, हम लोग बोलते हैं नहीं भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मेरी बॉडी शॉडी भी बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। मतलब हम लोगों ने एनर्जी वर्ड को बहुत बार यूज़ किया है, बट अगर मैंने किसी को भी उठा के एनर्जी का डेफिनेशन पूछा ना तो वो नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन वो एनर्जी वर्ड का बहुत बार यूज़ कर चुके। मतलब कहना मुझे ये है एनर्जी क्या होती है हर किसी को पता है, लेकिन ये नहीं पता भाई कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। तो जो भी आपकी कैपेसिटी होती है कोई भी वर्क को करने के लिए, कोई भी वर्क को करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने के लिए, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम एनर्जी के यूनिट क्या होंगे, फिर आप हमको ये भी तो बताओ। तो चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी को। तो देखेंगे भाई हम लोग सारे के सारे यूनिट ऑफ एनर्जी को, एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा। अब भाई मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपकी एनर्जी रहती है ना हैज़ सेम यूनिट, एनर्जी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क। एनर्जी का यूनिट बिल्कुल वर्क के जैसा ही होता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम कैसे क्या, अरे भाई कैसे क्या, देखो इधर यहाँ पे मैंने क्या बताया, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, उसी का मतलब तो एनर्जी होता है। डेफिनेशन नहीं आपको बता दिया, सिर्फ देखने के लिए चाहिए बस आईज, नज़र चाहिए बस देखने के लिए। उसने ही आपको बताया कि वर्क का जो यूनिट रहेगा वही एनर्जी का यूनिट रहेगा, क्योंकि एनर्जी के डेफिनेशन में भी वर्क आता है भाई, बस वही वाली चीज़ थी। अब मैंने यहाँ पे ये जाना कि एनर्जी के टोटल दो यूनिट रहेंगे, और दो यूनिट कौन से रहते भाई, एक रहता है SI यूनिट, एक रहता है CGS यूनिट। अब SI यूनिट एनर्जी का क्या रहेगा, अरे भाई वही जो वर्क का था, वर्क का SI यूनिट क्या था भाई, वर्क का SI यूनिट क्या था भाई, जूल था। तो एनर्जी का भी SI यूनिट क्या रहेगा, जूल। वर्क का CGS यूनिट क्या था, अर्ग। तो एनर्जी का भी CGS यूनिट क्या रहेगा, अर्ग रहेगा। समझे या नहीं समझे, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, वर्क भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है। मतलब जो यूनिट एनर्जी का है वही यूनिट वर्क का है, एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल रहेगा क्योंकि वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का CGS यूनिट भी अर्ग रहेगा क्योंकि वर्क का भी अर्ग होता है। आगे मैंने क्या जाना, आगे मैंने यहाँ पे ये जाना भाई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आगे मुझे देखना है एनर्जी के कौन से फॉर्म होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जाना एनर्जी के वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं। सबसे पहला एनर्जी का आपका फॉर्म जो होता है वो रहता है आपका साउंड एनर्जी। भाई साउंड एनर्जी भी तो आपकी एनर्जी का फॉर्म है। सेकंड क्या होता है, लाइट एनर्जी। कैसे याद रखेंगे सारे के सारे, सपोज़ आप कोई भी डिस्को में गए, कोई भी सपोज़ घर में डिस्को डांस बना दिया, अब आप डांस करने वाले हो, अब आप डिस्को डांस में गए हो या फिर घर में ही लाइट वाइट ऑन कर दिए, तो आप लोगों ने क्या देखा, वो अलग अलग कलर के लाइट रहते, देखा या नहीं देखा है भाई, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसे ऐसे अलग अलग लाइट, बच्चे नाचते हैं बढ़िया, बहुत सारा डांस करते छोटे बच्चे बर्थडे पार्टी वगैरह में, ठीक है। अब अलग अलग वॉइस में साउंड भी बजते रहता है, डांस करेंगे भाई बच्चे तो गाने तो बजेंगे ना, तो गाने बजने वाले हैं, सॉन्ग्स प्ले होने वाले हैं, कौन सी एनर्जी रहेगी, साउंड एनर्जी। अलग अलग कलर के लाइट आने वाले हैं, कौन सी एनर्जी रहेगी, लाइट एनर्जी। आगे बढ़ेंगे, आगे आपकी क्या होती है भाई, बच्चे डांस करने वाले हैं, कौन सी एनर्जी रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी तो आएगी भाई, मैकेनिकल एनर्जी भी तो आएगी। एक और कौन सी एनर्जी हो सकती है, सोलार एनर्जी। जो एनर्जी आपको सन से मिलती है उसी को तो हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, सोलार एनर्जी। सोलार सन से क्या मिलता है, गर्मी मिलती है, हीट मिलती है। तो एक और फॉर्म कौन सा रहेगा, हीट एनर्जी। समझे या नहीं समझे, और क्या रहेगा भाई, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी तो रहेगा ना, और क्या रहेगा भाई, न्यूक्लियर एनर्जी।
कितने सारे खतरनाक एनर्जी के फॉर्म हैं, आप लोग ही देखो भाई कितने सारे फॉर्म हैं। एक रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर मैं फॉर्म लिखते गई ना तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, इतने सारे फॉर्म हैं, बट फॉर्म ख़त्म नहीं होंगे। समझे या नहीं समझे? तो कैसे याद रखोगे? जब आप किसी भी बच्चे के पार्टी में, डांस पार्टी में सपोज गए, क्या देखेंगे? अलग अलग कलर की लाइट बनेंगे, ये ऐसे ब्लू कलर का लाइट, ग्रीन, डिस्को वाले लाइट, लाइट एनर्जी। गाना प्ले होगा, सॉन्ग बजेंगे बड़े बड़े आवाज़ में डिस्को में, तो साउंड एनर्जी। बच्चे डांस करेंगे, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। अलग अलग सोलार से, सन से कौन सी एनर्जी मिलती है? सोलार एनर्जी। सन से क्या होता है? बहुत गर्मी होती है, हीट एनर्जी। केमिकल्स भी तो होते हैं, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब भाई मैंने क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि मैकेनिकल एनर्जी के भी दो फॉर्म होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के भी दो फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और यहीं से आपकी इस चैप्टर में हो रही है एंट्री, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। ये वाले पार्ट को हम लोग एकदम बढ़िया डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, सारे के सारे बढ़िया तरीके से डेरिवेशंस के फॉर्म में देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवन्ट येट सब्सक्राइब। ओके देन।